आगरा आर्ट्स एंड गायनी सोसाइटी एसओजी की नई कार्यकारिणी गठित कर ली गई है। वहीं इस कार्यकारिणी के गठन में डॉक्टर सविता त्यागी को अध्यक्ष, डॉक्टर संगीता चतुर्वेदी को सचिव चुना गया है। फतेहाबाद रोड स्थित अमर होटल में आयोजित हुए समारोह के अंतर्गत नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए नई दिल्ली स्थित एम्स की डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने 21वीं सदी में रिप्रोडक्शन में बदलाव जैसे विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि नए कारणों की वजह से प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इसमें मानसिक दबाव, तनाव, खराब खानपान और बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल प्रमुख रूप से शामिल है। वहीं निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा गुप्ता ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया और नी वर्तमान सचिव डॉक्टर पूनम यादव ने बीते सत्र की रिपोर्ट विस्तार से रखी। इससे पूर्व डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने प्रोफेसर कुसुम गुप्ता, डॉक्टर प्रभा मल्होत्रा, ऑरेशन एवं मुख्य अतिथि से सबको परिचित कराया। प्रोफेसर संध्यान अग्रवाल और प्रोफेसर ऋचा सिंह ने समारोह की विषय वस्तु रखी। डॉक्टर नीलम रावत ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अध्यक्षता प्रोफेसर संध्या अग्रवाल, प्रोफेसर नरेंद्र मल्होत्रा, प्रोफेसर सरोज सिंह ने की। की नई टीम की इंस्टॉलेशन सेरेमनी है जिसमें सारे सीनियर मेंबर्स हैं जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी और इनकमिंग सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सविता त्यागी इनकमिंग प्रेसिडेंट, मैं डॉक्टर संगीता चतुर्वेदी इनकमिंग सेक्रेटरी एंड आज इसके उपलक्ष्य में ओरेशन प्रभा मल्होत्रा एंड डॉक्टर कुसुम गुप्ता ओरेशन में एम्स की ऑप्शन गायनी की HOD डॉक्टर नीना मल्होत्रा आई और उन्होंने रिप्रोडक्शन चैलेंजेस इन 21st सेंचुरी पे एक बहुत ही यूजफुल टॉक दी जिसमें आज के जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, एंडोक्राइन डिस्रप्टर हैं और किस तरीके से लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस एंड फर्टिलिटी जो लेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ करियर एंड ऑल, इस पर बहुत अच्छे से उन्होंने इसमें टॉक दी एंड इस सबसे लोग लाभान्वित हुए। वहीं इस कार्यकारिणी गठन के दौरान डॉक्टर रजनी पचौरी और डॉक्टर ऋचा सिंह को उपाध्यक्ष, डॉक्टर रेखा टंडन और डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा को संयुक्त सचिव, डॉक्टर पूनम यादव को कोषाध्यक्ष, डॉक्टर अमित टंडन और डॉक्टर मीनल जैन को क्लिनिकल सचिव बनाया गया है। डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा सदस्यता प्रभारी एवं चुनाव अधिकारी चुने गए। डॉक्टर देवाशीन सरकार और डॉक्टर निधि वंसल को चेयरमैन, डॉक्टर रुचिका गर्ग को सोशल मीडिया कमेटी की प्रभारी, डॉक्टर वैशाली टंडन और डॉक्टर अर्चना सिंघल को चेयरमैन बनाया गया है। आज जो हमारी आगरा गायनिक सोसाइटी, आगरा स्त्री रोग विशेषज्ञों की जो संस्था है जिसमें 300 से अधिक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनका नए कार्यकारिणी शुरू हो रही है और न्यू ऑफिस बेयरर्स आज टेक ओवर कर रहे हैं। इस ओकेजन पे डॉक्टर सुषमा गुप्ता और पूनम यादव का टेन्योर ख़त्म हुआ है और अब आप डॉक्टर सविता त्यागी और डॉक्टर संगीता प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी अपने 20 लोगों के साथ कार्यक्रम ग्रहण करेंगी। इसी पे हम लोग हर वर्ष एक प्रभा मल्होत्रा, कुसुम गुप्ता मेमोरियल लेक्चर करते हैं उनकी याद में, क्योंकि इतने सीनियर रहे। तो ये आज डॉक्टर नीना मल्होत्रा जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की स्त्री रोग विशेषज्ञ की अध्यक्ष हैं, उन्होंने आके दिया और उन्होंने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया कि कैसे हमारे देश में महिलाओं को अपना ध्यान हर चीज़ पर रखना पड़ता है। ये नहीं कि आप कैरियर और पढ़ाई में इतना मिल जाएं कि 35 साल तक आप शादी ना करें, फिर बच्चा ना करें, फिर बच्चा होने में बहुत मुश्किल होती है। तो कैरियर और फैमिली बैलेंस किस तरह से करना, और जो हम लोग, और उन्होंने बताया कि जिस तरह से हम लोग जो वातावरण में रह रहे हैं उसमें एंडोक्रीन डिसरप्टर्स हैं, प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, गंद मंद खाते हैं, ये करते हैं। एओजीएस की नई टीम का इंस्टॉलेशन सेरेमनी का कार्यक्रम यहाँ संपन्न किया है। इसमें मैंने एज अ प्रेजिडेंट पदभार ग्रहण किया है जबकि डॉक्टर संगीता चतुर्वेदी ने सेक्रेटरी का पद संभाला है। आज क्योंकि हर साल जब हमारी ये चेंजिंग ओवर सेरेमनी होती है तो डॉक्टर प्रभा मल्होत्रा और डॉक्टर कुसुम गुप्ता ओरेशन का प्रोग्राम रखा जाता है। उसी संदर्भ में डॉक्टर नीला मल्होत्रा जो कि एम्स की गायनी ऑप्स की हेड है, वो आई हैं और उन्होंने चैलेंजेज इन रिप्रोडक्शन इन 21st सेंचुरी पर बात की है। क्योंकि आज के समय पर जो और लेडीज़ में रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चा आने में उनको दिक्कतें हो रही हैं, उसका जो मेन कारण है वो PCOS है और जो हम प्लास्टिक के वो बॉटल्स में पानी लेते हैं और प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ओवरीज को नुकसान पहुंचता है। इसी के बारे में हमने आज विस्तार से बताया है।
हम आपको बताते चलें कि वयोवृद्ध चिकित्सक डॉक्टर आर एम मल्होत्रा, डॉक्टर कमलेश टंटन, डॉक्टर संध्या अग्रवाल, डॉक्टर अरुण नागरथ, डॉक्टर आरती गुप्ता शर्मा वैज्ञानिक सलाहकार मंडल में शामिल रहे। मून न्यूज़ के लिए मनीष तिवारी की रिपोर्ट।